इसलिए, लेकिन व्यक्ति को जल्दी समझ में आता नहीं है, समझाने की कोशिश की जाती है। एक सज्जन थे, नारद जी के चेला थे, बार बार कहा करते थे महाराज अब संसार में क्या रखा हुआ है, अब तुम ये चाहते हैं कि हमारी रस्म मुक्ति हो जाए, ठाकुर जी के नाम को पहुंच जाए, हमने देख लिया है संसार में कुछ भी नहीं। सोनारद जी महाराज एक बार नारायण के पास में गए, उन्होंने कहा कि महाराज एक हमारा बड़ा शिष्य है, प्रिय शिष्य है, और थोड़ा सा मेरे से शोर से लगा रहा है, आप अगर कहो तो मैं उसको कह दूं, वो आपके बैकुंठ में बुला लूंगी। भगवान ने कहा मैंने तो कोई दरवाजा बंद ही नहीं रखा है, यहाँ बैकुंठ में कोई दरवाजा ही नहीं, जिधर से चाहो उधर से ले आओ, जो आना चाहता हो ले, मैं नहीं बुलाऊंगा, जो आना चाहता ले। नारद जी बड़े खुश और गाँव में पहुंच गए, उस आदमी के पास में वो खिले में खलिहान में रखा था, चारपाई डालते आपके लिए खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी है? खुशखबरी यह है कि अभी मैं नारायण जी के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि तुमको बैकुंठ मिल जाएगा, चलो तो हमारे साथ। बैकुंठ तीन की शादी हो गई, बस एक ही की शादी रही, अब मेरा मन है कि सब काम करेंगे, जिस शादी और करवा लें उसके बाद तुम जाने रखा क्या संसार शादी में, बोले अब चलो। मैं कहा बोले बैकुंठ, कहा कि क्या है ना महाराज, वो थोड़ा सा नाती का जरूर होने वाला है, उसको मैं देख लूँ, उसके बाद जाने ही तो है, कुछ ही रखा मैंने देख के सब देखा।